बेटा आज हम आपका इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर 9 स्टार्ट कराने जा रहे हैं, जिसका नाम है नंबर ऑफ वर्ब्स। नंबर ऑफ वर्ब्स में आप सबसे पहले ये समझिए बेटा, जैसे आपने सिंगुलर प्लुरल सीखा है नाउन में, उसी तरह वर्ब में भी सिंगुलर प्लुरल होता है। कैसे होता है ये आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो ध्यान से देखिए बेटा, पहले हमें नाउन समझना होगा। नाउन सभी को पता होगा, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम नाउन बोलते हैं। अब नाउन से कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, वर्ब भी सिंगुलर प्लुरल होती है। जैसे देखिए मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पे लिख रखा है, ध्यान से देखिए सारे बच्चे। देखिए बॉय मींस होता है एक लड़का और बॉयज मींस होते हैं ज्यादा लड़के, है ना। फिर इसी तरह इसको हम एक लड़के को हम क्या बोलेंगे, सिंगुलर। एक लड़के को हम क्या बोलेंगे, सिंगुलर। और एक से अधिक लड़कों को हम क्या बोलेंगे, प्लुरल, क्योंकि ये ज्यादा हो गए। इनमें से एक को एकवचन बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं बहुवचन। क्या बोलते हैं, बहुवचन। अब अगर एक बॉय है उसका सेंटेंस हम बनाते हैं, तो बॉय प्लेस इन द फील्ड, क्या हो जाएगा, बॉय प्लेस इन द फील्ड। इस कंडीशन में हमने क्या लगाया, यहाँ पे एस लगाया, तो हमारा सब जो नाउन था वो क्या था, वो सिंगुलर था, लेकिन वर्ब हमारी हो गई प्लुरल। उसी तरह अगर जब हमारा नाउन हो जाएगा प्लुरल यानी कि एक से अधिक, तो ये हमारा हो जाएगा सिंगुलर। समझिए इस चीज को ध्यान से बेटा। देखिए जब कोई, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको, जैसे आपका नाम का एग्जांपल लेते हैं, जैसे लिखा है ही गोज, क्या लिखा है, ही गोज। ये एक है आपका, यानी कि ये क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर क्या है, प्रनाउन, ठीक। ये है हमारा सिंगुलर प्रनाउन, वह जाता है, क्या इसका मतलब हो, वह जाता है। लेकिन हाँ ये तो वर्ब है, ये क्या है हमारी, वर्ब है, लेकिन इसके साथ एसईएस लग गया, तो ये क्या बन गई, प्लुरल वर्ब बन गई। वर्ब कैसे हो गई, प्लुरल हो गई। इसी तरह अगर हम लिखेंगे दे, ठीक है, हम लिखेंगे दे को, दे वो, वे जाते हैं, तो दे तो हमारे इसमें है आपका, ये प्लुरल नाउन है, प्लुरल प्रनाउन है, क्या है, प्लुरल प्रनाउन, ठीक। लेकिन इसके साथ वर्ब कौन सी लगाई है हमने, एसएस तो लगाया नहीं है, तो ये वर्ब कौन सी कहलाएगी आपकी, सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब कहलाएगी। क्या कहलाएगी, सिंगुलर, यानी कि अगर नॉर्मली वे में अगर आपको समझेंगे, तो देखिए अगर एसएस है तो वो प्लुरल वर्ब कहलाएगी, और एसएस नहीं है तो वो सिंगुलर वर्ब कहलाएगी। यही मेन इसका इस टॉपिक पे है बेटा, कि आपको ये समझना है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आपकी रेगुलर सिंगुलर नाम के साथ लगती है, कौन सी फॉर्म आपकी प्लुरल नाम के साथ लगती है। तो होप कि आप, मैंने इसीलिए आपका देखिए प्रोनाउन का एग्जांपल लिया था और नाम का भी एग्जांपल लिया था, इसी यही चैप्टर आपके बुक में फिल करवाया गया है। और बेटा इसमें एक और चीज है, देखिए आपकी हैव और हैव का यूज भी करना सिखा रहे हैं, ध्यान सुनिएगा बेटा। has and have, ठीक है। अब has have दोनों ही present tense में आते हैं, समझिए पहले, has have दोनों ही present tense में आते हैं। कब use करते हैं हम, जैसे अगर आपका subject I है, ठीक है, you है, they है, ठीक है, we है, या फिर कोई plural subject है। subject का मैं English हिंदी मैथ साइंस नहीं, सब्जेक्ट का मतलब जिसके बारे में हम बात कर रहे होते, इन सभी के साथ आपका हैव का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, हैव का। और अगर सब्जेक्ट आपका ही, शी, इट और सिंगुलर, समझिएगा सिंगुलर सब्जेक्ट रहता है, इस कंडीशन में आपका हैज का यूज किया जाता है। जैसे I have a chalk, जैसे कि मेरे पास एक चौक है, she has a car, उसके पास एक कार है, इस कंडीशन में has का यूज किया जाता है और plural sense में have का यूज किया जाता है। क्लियर बेटा, ये आपके चैप्टर्स में समझाया गया है, तो ध्यान से आपने अब समझ लिया होगा कि वर्ब नंबर ऑफ वर्ब्स क्या होती है। क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको वो वर्ब लिखवा रही हूँ जो कि आपको अपनी फेयर कॉपी में करना है। क्या करना है आपको, अपनी
फेयर कॉपी में करना है। जैसे कि हम एग्जांपल किसे स्टार्ट करते हैं, सिंगुलर लेते हैं पहले, ठीक है, और प्लूरल लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पता है नंबरिंग में दो होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। फिर पहला हम लेते हैं आपका गर्ल, ठीक है। अगर इसको प्लूरल में चेंज करेंगे क्या लिखेंगे, गर्ल्स लिखेंगे, है ना। फिर हम लिखेंगे ग्रेप, ग्रेप्स और ऑरेंज लिखते हैं, ठीक है, ऑरेंज ऑरेंज। तो ऑरेंज किसमें हो जाएगा, ऑरेंजेस, क्या हो जाएगा हमारा, ऑरेंजेस, ठीक है। इसी तरह जब हम लिखते हैं आपका ये सिंगुलर है और ये प्लूरल, इसी के अकॉर्डिंग ये सिंगुलर है और ये प्लूरल, ठीक है, जैसा कि लिखा। इसी को हम एक एग्जांपल और सेंटेंस बना लेते हैं ताकि आपको इजी रहेगा। जैसे कि गर्ल्स हैव अ, गर्ल्स हैव मैनी डॉल्स, यानी कि लड़कियों के पास बहुत सारी गुड़िया थी। फिर ये आपका एक एग्जांपल है। सेकंड में अगर हम लेते हैं, ही एट सम ऑरेंजेस, ही एट सम ऑरेंजेस, या ही ईट्स सम ऑरेंजेस, वह कुछ संतरे खाता है, वह कुछ संतरे खाता है। देखिए यहाँ पे ही है, यहाँ पे ईट के साथ एस लग गया है, ये पुरुष बन गई आपकी, ये हो गया आपका, ऐसे ही एस के साथ बेटा लिखेंगे पी फॉर प्लूरल और वी फॉर वर्ब, ठीक है, ध्यान से लीजिए, पी फॉर प्लूरल और वी फॉर वर्ब, ये है हमारा प्लूरल वर्ब, ठीक है। इसी तरह एक एग्जांपल और हम लेते हैं, अगर आई ईट, ये आई क्लियर कर लेते हैं, ये दोनों हो जा रहा है, ये आप यहाँ पे लिख लीजिएगा पी फॉर प्लूरल वी फॉर वर्ब। आई प्ले इन द फील्ड, ठीक है। तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए सिंगुलर वर्ब है कि प्लूरल वर्ब, तो आप यहाँ पे ऐसे एस नहीं लगाएंगे, यानी कि ये सिंगुलर वर्ब, क्लियर, सारे बच्चों को क्लियर हो गया, ये आपका बेटा चैप्टर। तो जैसा मैंने आपको ब्लैक बोर्ड लिखा है एज इट इज आप अपनी फेयर कॉपी में कर लीजिएगा, और ये चैप्टर फिनिश होता है। एक्सरसाइज आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दी जाएगी। अगर आपको इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन है तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।